हम पूनम तो जिंदा है? डायन, तुमरे घर वाले बोलते हैं कि हमरे पति और बेटे ने तुमरी हत्या की है। आज वो तुमरी वजह से 3 साल से जेल में सड़ रहे हैं और तू आकर बोलती है तू जिंदा है। नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। एक औरत जिसकी मृत्यु की पुष्टि पुलिस रिकॉर्ड्स में हो चुकी थी, नगर पालिका जिसका डेथ सर्टिफिकेट इशू कर चुकी थी और अदालत उसको एक मृत पीड़िता मानकर उसकी हत्या के लिए सजा का ऐलान कर चुकी थी, उस औरत की एक जीती जागती पहचान सामने खड़ी थी। वो औरत कह रही थी कि उसकी हत्या नहीं हुई थी, वो जिंदा थी। और अगर वो सच कह रही थी तो चौंकाने वाली बात यह थी कि 3 साल पहले जिस औरत की हत्या हुई थी, जिसकी लाश को पूनम की लाश मान लिया गया था, वो औरत कौन थी? सुनने में ये सब किसी फिल्म या नॉवल के एक इंटरेस्टिंग प्लॉट जैसा था, लेकिन ये एक हकीकत भरी दास्तां थी। और उसी दौरान शहर में एक और चौंकाने वाली घटना होने वाली थी जिसके रहस्य और भी ज्यादा पेचीदा थे। हेलो, भजोई थाना। नदी के किनारे जो हिंदू शमशान भूमि है, वहाँ पर एक 3 साल की बच्ची को मारकर उसकी लाश को जलाया जा रहा है। क्या, किसको जलाया जा रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सर, हिंदू शमशान भूमि के पास किसी बच्ची को मारकर जलाया जा रहा है। व्हाट? उस कॉलर ने और कुछ नहीं बताया? नहीं सर, जब मैंने उसका नाम पूछा तो उसने फोन काट दिया। हिंदू धर्म में बड़ों की लाशों को जलाया जाता है, सिर्फ बच्चों की लाशों को दफनाया जाता है। अगर एक बच्ची की लाश को जलाया जा रहा है तो मामला जरूर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मैं देखता हूँ। गाड़ी शमशान घाट की तरफ ले जाओ। तुम्हारा नाटक हम सब निकाल दे, सब सच सच बताना, नहीं तो हम तुमको देखना फिर। चल सब 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 देखिए, ये पूनम है, ये पूनम जिंदा है साहब। जिंदा है मतलब? बुझा बुझाओ, आग बुझाओ जल्दी, अगर लाश पूरी जल गई तो पोस्टमार्टम में दिक्कत होगी। बड़ी बुरी तरह से जल चुकी है, आसपास पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या। तो सर, शमशान भूमि वालों को तो इस बच्ची के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि ये जगह शमशान भूमि के अंडर आती ही नहीं है। इसका मतलब जिसने फोन किया था उसने सही कहा था, जरूर इस बच्ची को किसी ने जान से मारकर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। फौरन पता करो कि वो फोन कहाँ से आया था और किसने किया था, हो सकता है वो बच्ची और हत्यारे दोनों को जानता हो। अरे साहब, आप समझ ही नहीं रहे हैं, जरा ध्यान से समझिए और देखिए, ये पूनम है, जिंदा है, और 3 साल पहले जिसका हत्या हुआ था वो कोई और औरत होगी साहब। कोई और कौन होगी? अब हमको क्या पता कौन होगी, वो तो पाठक जी आपके दरोगा साहब को पता होगा ना। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि पाठक जी की यहाँ से ट्रांसफर हो चुकी है। ट्रांसफर हो गया तो सब बदल गया क्या? आप जेल वालों को अर्जी लिखिए ना साहब, उनका बोलिए वो हमारे पति और बेटे को छोड़ दे, ये पूनम जिंदा है साहब, देखिए। अरे माता जी, ऐसा नहीं होता है। ऐसे नहीं होता तो कैसे होता है? आज अगर हमको न्याय नहीं मिला ना तो हम अपना जान दे देंगे यहीं पर। माँ जी, अब तुम चुप करो, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। शांत बैठिए। आप मुझे तसल्ली से बताइए कि 3 साल पहले क्या हुआ था। साहब, 3 साल पहले ये तीज का दिन अपने मायका गई थी, फिर एक रात अचानक इसके बाप का फोन आया। बेटा, पूनम के पापा का फोन है। पायलगो पापा जी, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं बेटा। बेटा, पूनम पहुंच गई। पूनम वो यहाँ आने वाली थी क्या? हाँ बेटा, तुमने तो कहा था उसको अकेले आने के लिए। हम तो ऐसा कुछ नहीं बोले पापा जी,
कैसा बात कर रहे हो बेटा? अरे वो तो करीब 4 बजे तुम्हारे घर के लिए निकल गई है। पर वो तो यहाँ नहीं आई पापा जी, रुके हम उसको कॉल लगाते हैं। अरे हमने फोन किया था पूनम को, उसका फोन नहीं मिल रहा है, तभी तो आपको फोन किया। फिर हम सब ने बहुत तलाश किया साहब, जब उसका कुछ पता नहीं चला तो हमारे पति और बेटा ने यहाँ के रपट लिखवाया थाने में। भगवान जाने कहां से पाठक जी को उस नकली पूनम की लाश मिल गई, और उसके बाप ने उसे पूनम बोलकर जला दिया। फिर हमारे बेटे और पति पर दहेज के लालच में इसकी हत्या का इल्जाम लगा दिया। अरे साहब, साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब हमने अगर अपनी बहू को मारा होता तो हम उसकी गायब होने की रिपोर्ट आपके पास काहे लिखाने आते सर? अरे सर मेरी बात सुनिए सर। साहब इन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ो साहब। अरे सुनिए, अरे कहां लेके जा रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या ऐसा तो नहीं कि आप अपने पति और बेटे को बचाने के लिए कोई नाटक कर रही हैं? और अगर यही पूनम है तो 3 साल से कहां गायब थी, कहां थे तुम? क्या हुआ, चुप क्यों? तुम बोलती काहे नहीं, बोल जल्दी। वो साहब बहुत मुसीबत में थे। देखो मुसीबत में तो अब आप दोनों आ जाओगे अगर पुलिस वालों से कुछ भी झूठ बोला तो। और अगर तुम ही पूनम हो तो कोई सबूत दिखाओ, आईडी है तुम्हारे पास? आईडी साहब, आईडी तो नहीं है हमारे पास, पर साहब आईडी का क्या जरूरत है? हम कह रहे हैं ना, हम ही पूनम है, आपके सामने बैठे हैं साहब। देखिए ये सब जांच करने में तो टाइम जाएगा, ये केस पुराना है, इसकी हमें फाइल निकालनी पड़ेगी। और ये केस वापस कोर्ट में जाएगा, आपकी पेशी होगी, उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि असली पूनम कौन है, जिसकी लाश 3 साल पहले मिली थी या ये। तेरा मनुष्य कदम हमारे घर में पड़ा, हमारा तो घर ही उजड़ गया। इससे तो अच्छा होता कि सच में मर जाती, तेरी वजह से हमारा पति और बेटा जी। जी सर। ये जो अभी दोनों औरतें गई, क्या मैटर है ये? सर बहुत ही अजीब मैटर है। 3 साल पहले एक लड़की की हत्या हुई थी और उसके मर्डर के आरोप में उसके पति और ससुर को जेल हुई थी, और अब 3 साल बाद वो लड़की आके बता रही है कि उसकी हत्या नहीं हुई थी, बल्कि 3 साल पहले जिस लड़की की लाश मिली थी वो कोई दूसरी लड़की थी। What? जी सर। सर और ये पाठक सर के टाइम का केस है। सर सर वो जो बच्ची को जलाने वाला कॉल आया था वो चर्च के फादर ने किया था, उनका नाम स्टीव लाकरा है। अभिषेक अच्छे से इस केस की स्टडी करो और फाइल मेरी टेबल पे पहुंचाओ। सर फादर फोन करके आपने उस बच्ची के बारे में हमें बताया, उस बच्ची के बारे में आपको कैसे पता चला? ऑफिसर इट हैपेंड अराउंड 12 PM, मैं प्रेयर के लिए चर्च में आ रहा था कि मेरी नज़र उस डोनेशन बॉक्स पर पड़ी, उसके ऊपर एक लेटर रखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि 3 साल की बच्ची का मर्डर हुआ है और मर्डरर उसे नदी के किनारे हिंदू क्रेमेटोरियम में जला रहा है, इसलिए मैंने तुरंत आपको कॉल किया। फादर सालों से आप इस इलाके में रह रहे हैं, आप जानते हैं उस बच्ची को, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? अगर वो लड़की कभी चर्च में आई होगी तो डेफिनेटली आइडेंटिफाई हो जाएगी। एक्चुअली उस बच्ची की बॉडी काफी बुरी तरह से जल चुकी है, उसका चेहरा देखकर तो नहीं पहचाना जा सकता। फादर यहाँ चर्च में जितने भी CCTV हैं उनकी फुटेज हमें अरेंज करवा दीजिए, कम से कम हमें उस आदमी का तो चेहरा दिख जाएगा जो यहाँ पर लेटर रख कर गया था। ऐसा कोई कागज मिल जाता इससे पता लगता कि यही पूनम है, पर क्या करें, पूरा घर छान मार लिया, सब जगह देख लिया, हमको तो कुछ मिलता ही नहीं है। अरे हमको तो लगता है कि तुम ही सब कागज उठा ली हो, कुछ नहीं छोड़ा तुमने घर में। माँ जी हमको लगता है कि हमारे सारे कागज ना उसी बैग में थे जो 3 साल पहले चोरी हो गया था। चोर! कौन था वो चोर? हमको नहीं मालूम। तो 3 साल तक कहाँ गायब थी? अब सोच कहाँ रही हो, बताती क्यों नहीं? माँ जी हम ऐसी मुसीबत में थे कि नहीं बता सकते आपको। काहे नहीं बता सकती? तुम्हारे बाप ने तो हमारे बेटे को बोला था कि तुम मायके से ससुराल के लिए निकली थी, फिर कहाँ गायब हो गई थी? तुम्हारे बाप ने झूठ बोला था? नहीं माँ जी, उनको ना कोई गलतफहमी हो गया होगा। हम एक काम करते हैं, हम अभी घर जाते हैं, उनका सारा गलत फहमी भी दूर कर देंगे और हमें जिंदा देख के वो भी बहुत खुश होंगे, और घर पर कोई ना कोई आईडी जरूर मिल जाएगा। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची की मौत दम घुटने से बताई गई है और उसकी उम्र 3 से 4 के बीच की है। सर चर्च से मिली चिट्ठी में भी बच्ची की उम्र 3 साल लिखी थी। यानी जिसने चर्च में चिट्ठी रखी थी वो इस बच्ची को जानता है?
और शायद इसके किलर को भी। सर लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई 3 साल की बच्ची का मर्डर क्यों करेगा? हो सकता है ये कोई फरौती का मामला हो, फरौती ना मिलने की वजह से बच्ची को मार दिया हो, या फिर गर्ल चाइल्ड का मामला हो, माँ बाप को बेटी नहीं चाहिए होगी। ऐसे केसेस में अक्सर माँ बाप बच्ची को पैदा होते ही मार देते हैं, जबकि इस बच्चे की उम्र 3 साल की थी। शिवानी एक काम करो, आसपास के सभी गांवों में पता करो कि किसी 3 साल की बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है क्या। सर चर्च की सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर फादर ने हमें सारी सीसीटीवी फुटेज हैंड ओवर कर दी है, हमारी टीम उसे खंगाल रही है। दरवाजा खोलो, पहले खोलो। कौन दरवाजा? पापा, माँ, पापा। अरे बात बात चलो, बात चलो। कहाँ घुसे जा रहे हैं? हम घुसे जा रहे हैं। दोनों मिलकर नाटक कर रहे हो, पहचानते नहीं? पूनम, तुमने हमारे पति और बेटे को इसके खून के इल्जाम में जेल के अंदर करवा दिया। अब हम देखेंगे, हम तुम लोगों को 30 साल के लिए जेल भेजेंगे और वही चक्की पिसवाएंगे। अरे तुम लोग अंदर जाओगे धोखाधड़ी के जुर्म में, अपने पति और बेटे को बचाने के लिए हमारी बेटी जैसी दिखने वाली बहुरूपिया को उठा लाए। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? नटंकी बंद करो, बंद करो नटंकी, जाओ यहाँ से। अरे सुनो पापा, आप हमें पहचान काहे नहीं रहे? हमें यहाँ पूनम माँ, बिना मतलब का रिश्ता जोड़ने का कोशिश मत करो, कह रहे हैं निकलो यहाँ से। चाची चाची आप तो पहचानती है ना मैं चाची, ऐसे क्या कर रहे हैं सब? चाचा चाचा आप तो जानते हैं ना बचपन से। अरे इन सबके सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, तेरे बाप ने सबको पढ़ा रखा है। अरे आईडी नहीं मिला तो क्या हुआ? तुम्हारे ससुराल में तुमको सब जानते हैं, हम पूरे मोहल्ले को लेकर थाने जाएंगे, वहीं सब लोग बोलेंगे कि तुम ही पूनम हो। चलो यहां से चलो। सर सर ये पूनम मर्डर केस की फाइल है, सर ये पूनम की फोटो है। जो लड़की आज पुलिस स्टेशन आई थी उसकी शक्ल हुबहू इस फोटो से मैच करती है। अगर वो लड़की पूनम है जो आज पुलिस स्टेशन आई थी, तो फिर ये लड़की कौन है जिसकी लाश मिली थी इंस्पेक्टर पाठक को? सर यही हमें समझना होगा, क्योंकि 3 साल पहले जिस लड़की की लाश मिली थी उसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था। पूनम के पेरेंट्स ने लाश के कपड़े देखकर लाश की शिनाख्त की थी। अभिषेक तुम ये केस इंस्पेक्टर पाठक से डिस्कस करो, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। सर सर पासी की चौकी में एक FIR दर्ज है, इसमें एक 3 साल की बच्ची स्वीटी की मिसिंग कंप्लेन दर्ज है जो कि उसकी माँ गीता ने लिखवाई थी। सर ये कंप्लेन उसी दिन की है जिस दिन हमें बच्ची की जलती हुई लाश मिली थी। गीता को शनाख्त के लिए बुलाओ फौरन। सर हमें ये बॉडी पर से मिला, इसे पहचानती हैं? थाने जाना होगा, पुलिस वालों को बताना होगा यही पूनम है, इसका हत्या नहीं हुआ, ये जिंदा है, ताकि हमारा पति और बेटा छूट जाए जेल से। माना कि ये पूनम जैसे दिखती है, पर ये पूनम ही है या कोई और? नहीं, ये देखो, ये पूनम है, पूनम, पूनम इसका हत्या नहीं हुआ, जिंदा है पूनम है, देखो। का पता दीदी, कहीं आप ही कोनो नाटक करके किसी को बुला लाई होगी पूनम बना के यहाँ। नहीं 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 कोई नाटक नहीं, चलो, ये चलो, सच्चे देखो हमें इसको। नहीं पढ़ना इनके पचड़ों में, हमें भी नहीं पढ़ना इनके पचड़ों में। अरे सुनो देखो यही पूनम है, देखो। अरे भैया सुनो तो, गीता जी किसी पर शक है आपको जो इस तरह से स्वीटी को मारकर? सब जरूरी है, सब कुछ भी देने की है। ब्रेन कौन है? हमारा पति, उसी ने ही मारा है स्वीटी को साहब, वो बहुत कमीना है,
नरेंद्र ने कुछ महीने पहले हमें और हमारे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था। क्यों? क्यों किया था उसने? सर सब हमने बीरेन से शादी की, हमने सोचा कि हमें प्यार खुशी सब मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऊपर से हमारे देवर ने हमको नहीं छोड़ा। देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? डरो मत भौजी, हमको मालूम है हमारे भैया आपकी उम्र के नहीं है, वो आपको इतना प्यार नहीं दे सकते जितना हम आपको करते हैं। एक बार हमको चांस देकर दिखाओ। साहब, उसने हमसे बदला लेने के लिए हमारे पति और हमारे सास के कान भर दिए। भैया, हमको तो बोले में भी शर्म आ रहा है। ये बोल रही थी कि आप उम्र में बहुत बड़े हैं तो आपसे वो मतलब प्यार नहीं हो पा रहा, तो हमारे पास। बीरेन जी, ये झूठ बोल रहा है, ये खुद हमारी इज्जत पे हाथ डालने का कोशिश किया। बीरेन जी, हमारा बेटा ऐसा नहीं जैसा तू बोल रही है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं था। जब हमने आवाज उठाने की कोशिश की तो बीरेन ने हमें। गीता जी, आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, आपने इसकी पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? सब हम अकेली औरत क्या करते, हमें अपने बच्चों का पेट पालना था। स्वीटी गायब कैसे हुई थी? उस रोज हम यहाँ रसोई में काम कर रहे थे और वीनू स्कूल गया हुआ था। स्वीटी यही बरामदे में खेल रही थी, हमारा जरा देर के ध्यान भटका कि स्वीटी, स्वीटी, स्वीटी। साहब, हमको पक्का लगता है कि उस रोज बीरेन ने ही हमारी स्वीटी को उठाया है। गीता के पति और देवर दोनों को थाने उठा के लेके आओ। आप लोगों को ये पूरा का पूरा पूनम दिखाई नहीं दे रहा है, इसका आईडी चाहिए। आप लोग हमारे पति बेटे को नहीं छोड़ोगे ना तो ठीक है, हम खुद भी मर जाएंगे। क्या रहा है ये, क्या ड्रामा है? हमारा इनको और भीड़ को मार करो। साहब, हमारे बेटे पति को छोड़। इस केस को लेके इंस्पेक्टर पाठक से बात हुई? सर, इंस्पेक्टर पाठक किसी दूसरे केस में बिजी हैं, उनसे बात नहीं हो पाई। इस लड़की की कोई बायोमेट्रिक्स पहचान भी नहीं है? नहीं सर, ना तो इसके पास आधार कार्ड है ना किसी बैंक में इसका अकाउंट है। ये जो लड़की अपने आप को पूनम कर रही है, इसको अंदर भेजो और किसी फीमेल कांस्टेबल को बोलो कि इसकी सास को संभालो। सर, हमारा पोती स्वीटी का हत्या हुआ है? बोल तो ऐसे रही हो जैसे मालूम ही नहीं है। हमें पूरा यकीन है कि तुम ही लोगों ने किया है। नहीं मैम, हमने ऐसा कुछ नहीं किया मैम। हॉबी की इज्जत पर हाथ डालता है, तुझे भी देख लेंगे और तेरे भाई को भी। बीरेन कहाँ है? शहर के बाहर काम से। तो फोन क्यों बंद करके रखा है उसने? शायद बैटरी खत्म हो गई होगी मैम। बैटरी तो अब हम तुम लोगों की चार्ज करेंगे। नहीं मैम, हमने कुछ नहीं किया मैम, हमने तक में कुछ नहीं किया मैम। चलो मान लिया तुम ही गुनाह, तो फिर वो लड़की कौन थी जिसकी तुम्हारे माँ बाप ने शिनाख्त की थी? उस वक्त उन्होंने कहा था कि वही उनकी बेटी पूनम है। अगर तुम पूनम हो तो वो लाश किसकी थी? सर, हमें नहीं पता वो लाश किसकी थी। हमें तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि हमारे मम्मी पापा ऐसा काहे कर रहे हैं। हमें अपनी बेटी मानने को भी तैयार नहीं है वो। पर साहब, हम ही पूनम है, हमारे नहीं है, जिंदा है। तुमने अभी तक हमें ये नहीं बताया है कि तुम इन 3 सालों तक कहाँ थी। तुम्हारा केस अच्छी तरह से पढ़ा हमने। तुम्हारे माँ बाप का कहना है कि उनकी बेटी 3 साल पहले अपने मायके से ससुराल जा रही थी, तभी उन्होंने पूनम को आखिरी बार देखा। सही बोले हम, उस दिन हम अपने मायके से ससुराल जाने को ही निकल रहे थे। अरे बेटे, दामाद जी को तुम्हें लेने के लिए आना चाहिए था। हाँ, नई नवेली दुल्हन को का अकेले आने जाने के लिए छोड़ता है कोई? अब पापा वो अपना काम देखेंगे कि हमको, और 3 घंटे का तो रास्ता है, चले जाएंगे हम आराम से। अरे आप भी चले जाइए ना छोड़ने। हम ही चले जाते हैं, इसमें क्या है। अरे पापा, आप काहे टेंशन ले रहे हैं, हम कह रहे हैं ना चले जाएंगे। हम ससुराल जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, तभी हमने देखा कि एक चोर हमारा बैग चुरा के भाग रहा है।
हम उसके पीछे भागे, हमने बहुत पकड़ने की कोशिश की पर हम नहीं पकड़ पाए। बहुत घबरा गए थे साहब, इतने में ना उस गाड़ी में से एक लड़की बाहर निकली, वो बोली कि हमारा मदद करेगी, वो चोर को ढूंढेगी। उसने हमें पानी भी दिया था साहब, और फिर बोली कि हमें हमारे ससुराल तक छोड़ देगी, वही जा रही थी। हम भी उसकी बातों में आ गए साहब और गाड़ी में बैठ गए, और कुछ देर के बाद हम बेहोश हो गए। फिर जब हमारी आँख खुली तब हम किसी तहखाने जैसी जगह में थे। आए दिन उस जगह पे कोई ना कोई नया लड़की आता था, और साहब वो हम लड़कियों का खरीद फरोख्त करते थे। मतलब वो लोग तुमसे धंधा करवा रहे थे? हाँ साहब, पर शुरुआत में वो हमसे कुछ भी नहीं करा पाए थे। क्यों? हम पेट से थे साहब। अरे ए, ये किस बाबा सिर को भेज दिया? ये नया लड़की तो 3 महीने पेट से है, इससे धंधा कैसे कराएंगे? ज्यादा बकवास मत कर, मेरी बात सुन। 3 साल पहले पूनम के पति ने जब पूनम की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाई थी, तब तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि पूनम प्रेग्नेंट थी, और तुम कह रही हो कि तुम पूनम हो और तुम प्रेग्नेंट थी। हाँ साहब, नहीं बताया होगा, क्योंकि तब हमने भी उन्हें नहीं बताया था। तुम प्रेग्नेंट थी तो फिर कहाँ है तुम्हारा बच्चा? क्या क्या उन लोगों ने तुम्हारे साथ? साहब, हम जब पेट से थे तब शुरुआत में तो वो हमसे धंधा नहीं करा पाए थे, पर बाद में पता चला कि हमने एक मरे हुए बच्चे को जना है, और साहब उसके बाद वो लोग हमें धंधे तुम वहां से छूट के कैसे आए? हम हमेशा ना भागने की फिराक में रहते थे, बस एक दिन हमें मौका मिल गया। भाई साहब, भाई साहब, कौन सा जगह है? इलखुआ। जैसे तैसे हम हमारे ससुराल पहुंचे तो वहां हमारी सास ने हमें पहचाना। बस तू जिंदा है? बाकी सब तो बोल रहे थे कि हमारा हत्या हो गया है। साहब, हम ही पूनम है, हमें हमारा पहचान वापस दिला दीजिए। पूनम पिछले 3 सालों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऐसे जाल में फंसी हुई थी जिसमें फंसने के बाद अक्सर पीड़िताओं के वापस आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पूनम उस दलदल से बाहर निकल आई थी। पर उसकी हर बात को सच मान लेना पुलिस की साख पर सवालिया निशान खड़ा करने वाला था, क्योंकि अगर पूनम सच बोल रही थी तो 3 साल पहले एक अज्ञात लाश को पूनम क्यों मान लिया गया था, और पूनम के माता पिता ने उस लाश की शिनाख्त पूनम मानकर क्यों की थी? हमें यह केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है, अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो मसला खड़ा हो सकता है। सबसे पहले हम पूनम के माँ बाप से मिलेंगे, आखिर पता तो चले कि पूनम के माँ बाप पूनम को अपनी बेटी मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं। प्लखुआ और आसपास के एरिया में पता करो कि पूनम आखिर 3 साल तक थी कहाँ। सर, स्वीटी के केस की क्या अपडेट है? सर, गीता की सास और देवर अभी यही कह रहे हैं कि उन्हें बीरेन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि बीरेन ने या फिर उन लोगों ने कभी गीता के साथ कोई गलत सलूक किया है। स्वीटी केस में हमें सबसे पहले बीरेन को ढूंढना है, अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो सारी कड़ियाँ अपने आप जुड़ जाएंगी। साहब, माँ बाप को अपने बच्चों को पहचानना कोनो बड़ी बात नहीं है। हम साहब कह रहे हैं हमें कोनो गलत फहमी नहीं हुई है। साहब, जो लाश हमको दिखाया गया था वो लाश पक्का पूनम का था, क्योंकि उसने वही कपड़ा पहना था जो पूनम घर से पहन के निकली थी। फिर वो लड़की कौन है जो आपकी बेटी पूनम होने का दावा कर रही है? साहब, वो कोई बरूपिया है, वो पूनम की सास अपने पति और बेटे को बचाने के लिए जरूर कोई चाल चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाल आप चल रहे हैं? उस लड़की का कहना है कि उसे जिस्म फरोशी के बाजार में भेज दिया गया था, कहीं ये सब आपने? साहब, अगर वो हमारी बेटी होती तो क्या हम उसे बेचते? साहब, आप बताइए कि हमें देखकर आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसा करें? आपका भी यही मानना कि वो आपकी बेटी पूनम नहीं है? नहीं। अच्छा, अब शादी के बाद आपकी बेटी पूनम प्रेग्नेंट हुई थी? ऐसा कुछ भी नहीं था सर। नहीं मैडम, हमें नहीं लगता कि आसपास वो जगह है जहाँ हमें बांध कर रखा जाता था,
उस जगह के ऊपर ऐसे ना, तुमको जानती भी हो या नहीं, सुबह से 50 जगह देख चुके, कुछ पता है तुम्हें या सिर्फ यूं ही घुमा रही हो हमें? मैडम हम काहे आपको घुमाएंगे, तो खुद ही परेशान है। मैडम हम सच कह रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। सर सर चर्च के सीसीटीवी फुटेज से तो कुछ खास नहीं मिला, इसलिए मैंने वहां के विजिटर्स की लिस्ट मंगवाई थी। सर एक नाम सामने आया है, मोहित डिसूजा। सर पहले तो ये रोज चर्च जाया करता था, लेकिन जिस दिन हमें इस बच्चे की लाश मिली उसके बाद से ये चर्च ही नहीं गया। है कौन ये मोहित डिसूजा? सर ये प्रचार का काम करता है, मैंने इसके मोबाइल के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड चेक किए, उस दिन इसका फोन चर्च वाले एरिया में ही एक्टिव था, लेकिन अभी इसका फोन बंद आ रहा है। सर मैंने इसके घर से ही पता किया, दो दिन से ये गायब है। कभी ना कभी तो ये अपने घर आएगा। अभिषेक अपने किसी कांस्टेबल को बोलो कि 24 घंटे इसके घर के बाहर नजर रखें। और गीता के इसमें ब्रेन की क्या खबर है? सर ब्रेन का भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ शिवानी। सर इस लड़की को न जाने कितने इलाकों में घुमाया, चप्पा चप्पा दिखाया है, लेकिन इसे वो जगह याद ही नहीं आ रही है जहाँ इसके हिसाब से इसे कैद करके रखा गया था। इसके साथ घूमते घूमते अब तो ऐसा लग रहा है कि कहीं यही ना हमें घुमा रही हूँ। साहब फिर वही बात, हम काहे आपको घुमाएंगे। चलो माना हो जगह तुमको याद नहीं, पर वहां के लोगों के बारे में तो कुछ बता सकती हो? लोग? हाँ साहब, ऐसे तो बहुत लड़की लोग था वहां, पर एक लड़की को हम अच्छे से जानते हैं। कौन लड़की? निम्मी। निम्मी? हाँ, सब उसे वहां निम्मी ही बुलाते थे, उसने तो उसी नरक को अपना जिंदगी मान लिया था। बहुत बुरा किस्मत है हमारा, लेकिन जो है सो है। इस निम्मी के अलावा कोई और? और किस? हाँ साहब, एक औरत और थी वहां, बिमला, वही हमसे धंधा कराती थी साहब। इन दोनों का तुम्हें चेहरा याद है? हाँ साहब। इन दोनों का तुम हमारे आदमी को इसके इन दोनों का हुलिया बता सकती हो उसको? साहब कोशिश करेंगे साहब। ठीक है अभिषेक। सर निम्मी और बिमला का स्केच बनवाओ इनसे। आइए। तो खुद को ऊपर वाले के बहुत करीब बताता है ना, तो फिर अब ऊपर वाले के घर जाना छोड़ क्यों दिया? चर्च में चिट्ठी तो नहीं रखी थी ना? छोड़ मत बोलना, सीसीटीवी में हमने वो चिट्ठी रखते हुए तुझे देख लिया। सर सर क्यों झूठ बोल रहे हैं सर? सर हमने उस चर्च में सीसीटीवी कैमरा लगवाया था सर। सर आपको लगता है कि अगर हमने वो चिट्ठी उस बॉक्स के ऊपर रखी होती तो हम अपने आपको सीसीटीवी कैमरा में आने देते? वैसे भी सर उस बॉक्स के आसपास तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। कि मोहित बहुत चालाक लग रहा है, जाने दो उसको और 24 घंटे नजर रखो इस पर। सर सर पूनम ने निम्मी और बिमला के स्केचेस बनवाए हैं। फौरन ये स्केचेस सर्कुलेट करो और पता करो ये दोनों औरतें कौन है और इस वक्त कहां मिलेंगे। सर जबरदस्ती कराया गया था, इसका मतलब वो बच्चा उन्हीं में से किसी का था, तो गिनाया काहे नहीं? नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए, वो बच्चा इन्हीं का ही था, और यही खुशखबरी देने के लिए हम एक दिन पहले मायके से आके लिए। अपने बाप की तरह झूठ बोल रही है क्या? अगर मेरे बेटे का बच्चा होता तो बताता नहीं हमको क्या हो? पानी किस गंदी नाली का खून तो चल निकला मेरे घर से, अच्छा वो बच्चा मर गया। माजी नहीं माजी, मेरी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए माजी। माजी कहो ना निकल मेरे घर से। माजी हमारी बात सुनिए माजी माजी। पूनम की सास जो अब तक उसका साथ दे रही थी, उसने भी पूनम को घर से निकाल दिया था, और अपने माता पिता की मिन्नतें करने के बाद भी वो उसको अपनी बेटी नहीं मान रहे थे। और पुलिस अब भी डाउट में थी कि पूनम सच बोल रही थी या झूठ। वो उस औरत निम्मी को ढूंढने में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस ने गीता के केस में उसकी सास और देवर को हिरासत में ले रखा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी पुलिस ने नहीं की थी। सर हमने गीता और अपने बच्चों को घर से नहीं निकाला था, वो तो खुद हमारे बच्चों को हमसे दूर लेके चली गई थी। हम तो मिलने के लिए उससे तरस रहे थे, लेकिन अरू बोलती है कि हमने सुटी को मारा है, हमने। ए बंद करिए नौटंकी, अगर तू सुटी को नहीं मारा है तो फोन बंद करके भागा क्यों था? साहब काम से हम बाहर गए थे, लेकिन जब हमको पता चला कि वो झूठा आरोप हम पे लगा दिए तो हम बहुत डर गए थे, लेकिन जब पता चला कि आप हमारे भाई और माँ को छोड़ ही नहीं रहे तो फिर हम आ गए। अब
वो लोग भी कुछ नहीं किए, उनको छोड़ दीजिए। तू, तेरी माँ, तेरा छोटा भाई कितना टॉर्चर करते थे गीता को, और बोल रहे उनको छोड़ दे, अभी तो तू भी अंदर जाए। हम टॉर्चर करते थे, हम, वो टॉर्चर करती थी हमको। हम इतना पढ़े लिखे हैं और तुम हमको बच्चा पैदा करने का मशीन बना दिए हो। बस बाहर जाकर काहे चिल्ला, साला दो दो बच्चों का झंझट। अरे हम क्यों चुप रहे, हम किसी से नहीं डरते। साला गांव में लाके पटक दिया अपने माँ और भाई के साथ में। माँ और बहू बन के सेवा नहीं करना हमको जिंदगी भर। बस परिवार में ना सब साथ में मिलके ही रहता है। वो खोल के दिया ना ब्यूटी पार्लर, और कितना करें। कितना करें मतलब, अरे एहसान क्यों किया तुम हम पर। शादी करके सोचा था कि उम्र में थोड़े बड़े हो तो क्या हुआ, हमारा खर्चा संभाल लेंगे, पर नहीं। अरे तुम्हारा तो अभी से ही कमर टूट रहा है। सिर्फ अपने बच्चों के वैसे उसको मौका पे मौका दिए जा रहे थे, लेकिन वो एक दिन बच्चा को लेके गायब हो गई। साहब अगर गीता का पता होता ना हमारे पास, हम जबरदस्ती विनू और स्वीटी को उठा के लेके आते। आपको कैसे समझाया कि जब से स्वीटी का मौत का खबर सुने क्या गुजर रहा है। ये ब्रेन कोई दूध का धुला नहीं है। शिवानी एक काम करो, ब्रेन की माँ और छोटे भाई को भी जाने, और अपने किसी कांस्टेबल से कहो कि 24 घंटे ब्रेन पर नजर रखे। गीता के बारे में भी पता करो, उसका पास्ट प्रेजेंट सब खोल डालो। जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि ये दोनों इंसान कैसे हैं, तब तक हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि इन दोनों में से कहानी किसकी सच्ची है। तुम क्या भाग रहे हो हमसे? तुम तो जानते हो ना कि हम ही पूनम है। कम से कम तुम तो मान लो कि हम ही हैं। काहे, हम काहे मान ले? तो अब तुम इस बात का बदला निकाल रहे हो कि हम तुमसे नहीं हर्षी से शादी की है ना? देखो, हम तुमको उसी दिन ही बता दिए थे कि हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम प्यार करते थे ना हमसे, तो बस एक दोस्त की तरह मदद मांग रहे हैं। देखो, अब हम ना दोस्त भी नहीं रहे, और आगे से हमारा रास्ता मत रोकना। साहब, ये औरत के जैसा सेम टू सेम औरत दिखा है सिकंदराबाद के पास। पक्का यही है ना? हाँ साहब, पक्का। निम्मी? कौन निम्मी? तुम, ये तुम ही हो ना? क्या बोल रहे हो आप? मेरा नाम शिखा है। देखो, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। हमें पूनम ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है कि कैसे तुम लोग एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का शिकार हुए थे। क्या? कौन पूनम? और हम किसी निम्मी या पूनम को नहीं जानते। रुकिए, हम आपको हमारी आईडी दिखाते हैं। देखो, हम तुम्हारे साथ और नहीं भटकने वाले। जो भी सच है बता दो, और सिर्फ सच। साहब, शुरू से हम आपको सच ही तो बता रहे हैं। अब और क्या बताएं? शुरू से? तुमने एकदम शुरू में क्यों नहीं बताया था पहली बार में ही कि तुम 3 साल तक कहां थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबके पीछे तुम्हारा मतलब? अब तो आपको पता चल गया। तो क्या, हमारे ससुराल में सब जगह सबको सब पता चल गया। कहा हुआ आप? हमारी सासू माँ हमें पहचानती थी, उन्होंने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया। तो अब हमें पता था हमारे साथ ऐसा ही होगा, फिर हम शुरुआत में ये बात बताने को हिचकिचा रहे हैं। तो हमारा यकीन मानिए साहब, हम सच बोल रहे हैं। ये केस कुछ ज्यादा ही उलझ गया। आखिर पूनम का मैटर है क्या? ये जो कुछ बोल रही है वो सही है, या बस ये हमें यहाँ से वहाँ घुमा रही है? और अगर हमें ये यहाँ से वहाँ घुमा रही है, तो इसके पीछे इसका मकसद क्या हो सकता है? सर, मुझे लगता है ये घुमा रही है, कि वो औरत भी निम्मी नहीं निकली। उस औरत का निम्मी ना निकलना मुझे कुछ खटक रहा है। मतलब सर? मतलब ये कि पूनम किसी औरत का इतना सटीक स्केच कैसे बनवा सकती है? जाहिर सी बात है, वो उस औरत से मिली होगी तभी। विमला को भी ढूंढती हूँ। अच्छा, और गीता के केस में ब्रेन और उसकी फैमिली की क्या अपडेट है? सर, उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला अब तक। खेलना बंद करो, लो खाना खा लो। भूख नहीं है। अरे काहे झूठ बोल रहे हो? हमको सब पता है कि तुमको भूख है, और तुम आजकल ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हो। हाँ, अरे तुम्हारा फेवरेट नूडल्स बनाया है। चलो आ करो, आ करो, आ करो, आ करो। नहीं, हमको नहीं खाना है। बोला ना, खा लो।
लगता है आज आपका लकी डे है, ये निम्मी की असलियत सामने आ गई। कौन? सॉरी, मैंने रूम सर्विस बोला, हवाला सर्विस। ले चलो ने। मुझे इस लाइन में किसी ने जबरदस्ती नहीं लाया था, मैं इस लाइन में अपनी मर्जी से आई थी। काम क्या करती हो तुम? सर मेरा काम बहुत सिंपल था, मुझे उन लड़कियों के बीच रहना होता था, उनके बारे में जानना होता था, उनकी कमजोरियों के बारे में, ताकि उन्हें तोड़ने में आसानी हो। सर हमारा नेटवर्क तो पूरे इंडिया में फैला है, पर मेरे अंडर सिर्फ लखुआ है। पूनम को किसने बेचा था तुम्हें? एक पारो नाम की लड़की है सर, उसी ने बेचा था, वो हमारी सप्लायर है। सर कॉल डिटेल से पता चला कि ये नंबर किसी पारो नहीं बल्कि ख्याति के नाम पे रजिस्टर्ड है। ख्याति? चौंकाने वाली बात यह है कि ख्याति के सिम डिटेल्स में गीता का फोटो अटैच्ड है, और इस नंबर से मोहित को कई कॉल्स हुए। बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो तो बाहर गई है। सर हमने कुछ भी गलत काम नहीं किया है सर। स्वीटू को मम्मी ने मारा। वो हमारे प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि हमसे शादी करने के लिए वो अपने दोनों बच्चों की जान लेने पे उतारू होगी। सर मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारे साथ में रहना है, तुम्हारे साथ में शादी करनी है बस। तुम नहीं कर सकते हम शादी, तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, तुम्हारे दो बच्चे हैं, समझती क्यों नहीं हो? अरे तुम बच्चों के बारे में क्यों सोचते हो? बच्चों का तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगी बच्चों का। जब हमको पता चला कि वो अपनी बेटी की हत्या कर दी उसने, तो सर हम डर गए सर। और सर हाँ सर, हमने उस डोनेशन बॉक्स के ऊपर वो चिट्ठी रखी ताकि आप उसको पकड़ लें। काम लगी क्या था? हाँ हमने ही मारा अपनी बेटी को। हमने तो कुछ दिनों बाद फीनू को भी रास्ते से हटाने का सोचा था, ताकि मोहित के पास कोई बहाना ना बचे और वो हमसे शादी कर ले। अपने ब्यूटी पार्लर से प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलानी थी ना तू? गीता और पारो ख्याति के नाम से वो फोन नंबर भी तुम्हीं ने लिया था ना? अब ये बोलो, इस सब के बीच में पूनम कहाँ से आई? उसे उसकी किस्मत खींच लाई। मतलब? उस रोज हमने एक दूसरी लड़की उठाई थी और उसी की दवा की मात्रा कुछ ज्यादा ही पड़ गई और वो लड़की मर गई। और ये तो मर गई, अब किसको बेचेंगे? बेचने का बाद में सोचेंगे, इस लाश को फेंकेंगे कहाँ? जब हम गाड़ी से जा रहे थे तो हमने पूनम को रोते हुए देखा। वो लड़की रो रही है, तो जाके नीचे देख के क्या मामला है, है ना? अगर झांसे में आती है तो पानी पिला के अंदर बिठा ले। विजय गाड़ी रोक, रुक रुक रुक। उस रात हमने गाड़ी सुनसान जगह पर रुकवाई और दोनों लड़कियों का कपड़ा अदला बदली कर दिया। और फिर पूनम के साथ जो हुआ उसको किस्मत कह रही हो तुम? उसके ये उसकी किस्मत नहीं है, ये तुम्हारे गुनाह है, तुम्हारी तरंदगी है जो तुमने उसके साथ की। और अब तुम्हारी किस्मत ये है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल के अंदर कटेगी, और ये तुम्हारी किस्मत किसी और ने नहीं लिखी बल्कि तुमने खुद लिखी है अपने हाथों से, इतने सारे गुनाह करके। किस्मत की बात करते हैं, सर हमने विमला के दूसरे अड्डे पे रेड मारी, वहां से एक 2.5 साल की बच्ची बरामद हुई है। बच्ची पूनम की है, सही सलामत है। मतलब उन लोगों ने पूनम को झूठ बोला था कि उनकी बच्ची मरी हुई पैदा हुई। बच्ची को जल्द से जल्द पूनम को सौंप दो।
एक बच्ची की अधजली लाश मिलने से शुरू हुए इस केस के सिरे एक ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जाकर जुड़े थे, और इसे एक्सपोज करने के बाद पुलिस ने लगभग 200 से ज्यादा विक्टिम्स को रेस्क्यू किया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूनम का ही हौसला था जिसके कारण इन लड़कियों को एक नई शुरुआत करने का मौका मिला था। अब पूनम को अपनी पहचान वापस मिल गई थी। क्या हुआ? अब तो प्रूफ भी हो गया ना कि वो लड़की हमारी बेटी है, अब तो चलेंगे ना मिलने उससे। लेकिन 3 साल पहले जो पुलिस से लापरवाही हुई थी उसके लिए उन्हें अदालत की फटकार का सामना करना पड़ा, और अदालत ने पूनम और उसके ससुराल वालों को 10 लाख का कॉम्पनसेशन देने का आदेश भी सुनाया। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी, मां। एक ऐसा शब्द जो इस सृष्टि की रचना करता है, इस एक शब्द के साथ एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। न जाने कितने एहसास जुड़े हैं इस शब्द के साथ। फिर क्यों कुछ औरतों को मां बनने के नाम पर नर्क से गुजरना पड़ता है, वो भी एक बार नहीं, बार बार, हर बार। माय नेम इज गीता, आई एम 20 years old, आई लिव विथ माय ब्रदर एंड माय सिस्टर इन लॉ, आई हैव वन नीस परी। देखा दीदी कितनी बढ़िया अंग्रेजी बोलती है। दीदी जैसे आपने इसकी दोस्त अनामिका की नौकरी शहर में लगवाई है, इसकी भी लगवा दीजिए ना। अरे काहे नहीं लगवाएंगे, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी इसे। अनामिका कैसी है? वहाँ पे जाके वो हमको भूल ही गई, चाची को कभी कभी फोन करती है, हमको तो फोन भी नहीं किया। अरे उसके पास टाइम ही कहाँ पर है? जहाँ पर वो काम करती है ना वहाँ पर दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं, तो पूरा का पूरा घर अनामिका को संभालना पड़ता है। ये देखो उसकी मैं फोटो दिखाती तुम्हें, देखो। अरे वाह इतना बड़ा घर, दीदी आपने तो उसकी जिंदगी बदल दी। नहीं तो बेचारे के घर में खाने के भी लाले थे। अब क्या करें, दूसरों की भलाई करने में ही हमें सुख मिलता है। अच्छा चलो तुम्हारी एक फोटो निकालती हूँ, वहां पर भेजनी पड़ेगी ना। अच्छा गीता एक बार फिर से बोलकर दिखाओ। माय नेम इज गीता, आई एम 20 years old, आई लिव विथ माय ब्रदर एंड माय सिस्टर इन लॉ। वेरी गुड मैम, आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपको सोचकर बताते हैं। हाँ हाँ जैसा आपको ठीक लगे, आइए सर। जी थैंक यू। चलिए जी, ये नौकरानी वाले काम के लिए हम ऐसे क्लिनिक में क्यों आए हैं? यहाँ क्लिनिक में ना बड़े आराम से काम मिलता है। ये जो माँ बनने वाली औरतें होती है ना, इन्हें काम वाली की जरूरत होती है। अब जैसे ये औरत आई थी, ये पेट से है, 1 महीने बाद कुछ काम धाम कर नहीं पाएगी, फिर इसे 24 घंटे के लिए काम वाली की जरूरत होगी। कल को इसका बच्चा होगा तो फिर बच्चा संभालने के लिए कोई चाहिए। पर घर के काम के लिए अंग्रेजी क्यों चाहिए? वो क्या है ना कि आजकल के जो माँ बाप है ना वो बहुत जागरूक हो गए हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे अंग्रेजी सिखाना शुरू कर देते हैं, उसके आसपास जो भी लोग होते हैं ना वो भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इसलिए अंग्रेजी चाहिए। अब वो तुम्हारी दोस्त नहीं अनामिका, देखा उसको कैसे मुंबई में नौकरी करने लग गई है। खोलो, खोलो, जाने दो, खोलो। वैसे तुम्हारा महीना कब आता है? महीना क्यों? वो क्या है ना कि नई जगह जाने के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है ना, इसलिए। नहीं अभी तो समय है, 12 दिन पहले ही हुआ था। अच्छा बुआ, बुआ आपने टारे में आपको दिख रही हूँ। हाँ 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 दिखाई दे रहा है, एक सेकंड रखो। ये देखो हम तुम्हारे लिए नई सुंदर गुड़िया खरीदे हैं, कैसा लगा? वाह कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है? अरे वाह ये तो बहुत सुंदर गुड़िया है, एक तो हमारी परी जैसी है ना। गीता कैसी है तू?
कोई तकलीफ तो नहीं है ना? आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप जो चाहते हैं हम वही कर रहे हैं ना। आ गए हम शहर नौकरी करने के लिए, आप खुश है ना अभी? भैया हम आपसे बाद में बात करते हैं। फोन आया था उनका, उन्हें ये पसंद है। गीता, ये योगिता जी जी, और ये इन्हीं का घर है। ये आपका घर है? बहुत बड़ा है, एकदम सुंदर है। जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लग जाती ना, तुम यही रहोगी और यही तुम्हारा ख्याल रखेंगी और यही तुम्हें बाद में काम दिलाएंगी। अनामिका भी यहीं पे रहती थी, कहाँ है वो, उसके पास ले चलो ना, उसे मिलना है। अरे तुम अनामिका की दोस्त हो? बहुत अच्छी लड़की है, यहीं पर तो थी लेकिन उसकी नौकरी लग गई ना, इसलिए मुंबई चली गई। आओ ये देखो, इस कमरे में रह रही थी अनामिका। इतने बड़े कमरे में? हमें तो नहीं लगता कि तुझे गांव छोड़ के जाना चाहिए। यार डर तो हमें भी लग रहा है, लेकिन कुछ नया करने से पहले घबराहट तो होती है ना। घर की हालत भी सही नहीं है और यहाँ गांव में रह के कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने तो सोच लिया है अब बस मन बनाकर कूद जाएंगे, या तो डूब जाएंगे या पार हो जाएंगे, देखा जाएगा। पता है यहाँ पे आने से पहले ना अनामिका भी बहुत डरी हुई थी, हमने खुद उसको मना भी किया था, पर अब देखो हम खुद ही यहाँ पे आ गए उसकी तरफ गांव छोड़ के। अरे तो इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है, बहुत अच्छा किया जो आ गई। तुम देखना तुम्हें भी ना अनामिका की तरह बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छा गीता अब मैं चलती हूँ। आप ये परी को देंगे, उसको ये बहुत पसंद आई थी। हाँ बिल्कुल, चलो अब से कमरा तुम्हारा हुआ, मैं तुम्हारा सामान भिजवाती हूँ, तुम बैठो। रहे हैं जल्दी नहीं होता है, एक बार जाकर और करो। अरे यही सही समय है, बच्चा ठहरना चाहिए। ओके। नहीं, हमारे पास सपना देखा क्या? रुक जो कर रहे हो ना, बिल्कुल गलत कर रहे हो, हम सबको बता दे कि हम यहां से जाने को बोल रहे हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। देखो आभा ने क्या कहा था, हम यहां पर तुम्हारा ध्यान रखेंगे है ना, हम तुम्हें काम दिलाएंगे, तो बस यही तो है तुम्हारा काम, कुछ भी नहीं करना है, बस यहां पर 9 महीने तक चुपचाप आराम कर, जैसे ये लोग आराम कर रहे हैं ना, बस तुम। अपने गांव से शहर आने के पहले गीता को उम्मीद थी कि वो शायद अपनी सबसे अच्छी सहेली अनामिका से मिल पाएगी, लेकिन अनामिका उसे यहां कहीं नहीं दिखी और अब गीता एक ऐसी अंधेरी दुनिया में थी जहां सामान्य जीवन की रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंच सकती थी। उस जगह पर जितनी भी औरतें थीं उन्हें पता ही नहीं था कि वो कब आजाद होंगी या फिर कभी आजाद होंगी भी या नहीं। देखते ही देखते 5 महीने गुजर गए और तब कहीं जाकर अनामिका दुनिया के सामने आई, लेकिन जिंदा नहीं मुर्दा। सर मैंने ही फोन किया था, वो वहां पर। गीता चलो
खा लो वरना बच्चा ना कमजोर पैदा होगा। हमें नहीं खाने, मर जाने दो उस बच्चे को। टंकी कहीं की? दीदी छेड़ दो, जाने दो। किरण मुझे भी कोई शौक नहीं है मारपीट करने का, समझती क्यों नहीं एक बार में बात? अरे उसको ठीक से समझा दे ना, जो बोल रही हूँ चुपचाप करे वो। 10 मिनट में मैं आ रही हूँ, मुझे सब कुछ खत्म चाहिए। की खोजो तुम्हें, जिद मत करो, तुम यहाँ से निकल नहीं पाएगी। हमें नहीं रहना है यहाँ पे। अरे कौन रहना चाहता है यहाँ पर, 5 बरस से यहाँ पर हैं, 4 बच्चा जन चुके हैं, 5वां है, कुछ नहीं कर पाएगी तुम। ये तो हमारी किस्मत। यहाँ ऐसी किस्मत है, हमें ऐसी किस्मत नहीं चाहिए, हमें नहीं रहना है यहाँ पे, हमें नहीं रहना है यहाँ पे। सर, लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, पीठ पे 2 बार और पेट पे 1 बार वार किया गया। मौत का टाइम क्या लिखा है? रात 12 और 2 के बीच। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला उसे मारने से पहले उसके साथ रेप किया गया, और हाँ सर, उसने करीब 1 महीने पहले किसी बच्चे को डिलीवर भी किया। लेकिन पंकज देखने से तो वो शादीशुदा नहीं लगती। हो सकता है विधवा, कैसे ये भी हो सकता है कि बिन ब्याह माँ बनी और घर वालों ने घर की इज्जत बचाने के लिए उसे मार दिया। लेकिन अगर ऐसा होता तो उसके साथ रेप थोड़ा ही होता, उसकी कहीं मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है? सर आसपास के पुलिस स्टेशन में चेक किया, कुछ नहीं मिला। एक काम करो, इस लड़की की फोटोग्राफ रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, सब जगह सर्कुलेट करवा दो, और हाँ न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवा दो इसे। सर तुम सच में जा रही हो? चाची को अकेली छोड़ के जाओगी? अकेली कहाँ है, तुम हो ना हमारी माँ का। हमारी माँ का सही से ख्याल नहीं रखोगी ना तो वापस आकर बहुत मारेंगे तुमको। कहाँ जा रहे हो, मत जाओ ना, हम तुम्हारे बिना अकेले कैसे रहेंगे? फिर से वही बात, कितनी मुश्किल से आभा जी के वजह से काम मिला है, अब जाना तो पड़ेगा ना, और पैसे भी तो चाहिए। आग लगे ऐसे पैसे को जो तुम्हें मुझसे दूर रखे। जवान बेटी को घर से दूर रखने से कितना दिल घबराता है मेरा। कुछ नहीं होगा आपकी जवान बेटी को, और दूर कहाँ जा रहे हैं, यही लखनऊ इतने पास तो जा रहे हैं, हर हफ्ते मिलने आएंगे और थोड़ा सा पैसे जमा कर ले, फिर वहाँ एक कमरा लेकर आपको भी वहाँ बुला लेंगे। फिर आपके कंधे का ऑपरेशन भी तो करवाना है। अनामिका हर हफ्ते मिलने आओगी ना? हर हफ्ते मिलने आऊंगी और रोज फोन करूंगी। ये लड़की आपके क्लिनिक में आई थी? नहीं सर, ये लड़की यहां नहीं आई थी। आसपास के सभी क्लिनिक से पता किया लेकिन उस लड़की की कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सर सर ये बस ड्राइवर है, अखबार में ये फोटो देखकर हमारे पास आया। कहिए क्या कहना चाहते हैं? साहब ये लड़की हमारे बस में ही थी। कब की बात है? 16 जून को। इसके पास पैसे नहीं थे, इसने हमसे काफी मिन्नतें की तो हमने इस पर तरस खाकर इसे उन्नाव में छोड़ दिया था। उन्नाव में किस जगह थे? पिपरी गाँव के स्टॉप पर। कितने बजे की बात होगी ये? तकरीबन रात के 8-8:30 बजे की बात है। ताज्जुब की बात है, अगर तुमने उसे 8:30 के करीब उन्नाव में पिपरी गांव के पास छोड़ा था तो फिर उसकी लाश अगले दिन सुबह हमें लखनऊ में कैसे मिली? सर एक बात और, ये लड़की काफ़ी डरी हुई थी, कुछ तो गड़बड़ लग रहा था साहब, ऐसा लग रहा था किसी से डर के भाग रही है। अनामिका पहले तो कभी कभार फोन भी कर लेती थी लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से उसका फोन भी नहीं आया है। अब हमें क्या पता उमा जी कि अनामिका कहाँ पर है? हमने तो उसे अच्छा खासा लखनऊ में काम दिलाया था लेकिन वो वहाँ से सब छोड़ छाड़ कर मुंबई चली गई। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अब की बार जो फोन नहीं लगा ना तो हम पक्का पुलिस की मदद लेंगे। देखिए उमा जी आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। दीदी
दीदी मर जाएगी। योगिता दीदी, अरे दीदी, आओ गीता उठ। अरे क्या है दीदी, वो मर जाएगी दीदी। गीता, अरे गीता, तुमसे ना तुम लोग जीने नहीं दोगे मुझको। हेलो, जरा इधर आइए। इस लड़की को पहचानते हैं आप? ये तो अनामिका है, ये तो मुंबई में काम करती है। मुंबई में काम करती है? हाँ। कहाँ रहती है ये पता मालूम है आपको? ये पास में रहती सर। ये घर है सर। ठीक है जी। हमें आपकी बेटी अनामिका के बारे में कुछ बात करनी थी। हमें तो खुद ही उसके बारे में कुछ नहीं पता। मुंबई में आपकी बेटी क्या काम कर रही थी? किसी के घर में काम करती है, ज्यादा तो नहीं पता। आखिरी बार आपकी अपनी बेटी से कब बात हुई थी? हमारी एक डेढ़ महीने से बात ही नहीं हो पा रही है। हमने तो खुद आबा जी से कितनी बार कहा कि हमारी बात करवा दे, पर उन्हें भी कुछ नहीं पता। ये आबा जी कौन? इसी गांव की एनजीओ चलाती है। लेकिन साहब बात क्या है, आप मेरी अनामिका के बारे में ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अनामिका ठीक तो है ना? दरअसल आपकी बेटी अनामिका अब नहीं रही। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? चार दिन पहले अनामिका की लाश मिली है। नहीं, नहीं। कहाँ जा रहे हो? अनामिका के घर में पुलिस है, पता नहीं क्या हुआ। कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे अंदर चलो, अंदर चलो। अरे लेकिन पता तो चले, हुआ क्या है? अनामिका का खून हो गया है। जहाँ आभा जी ने उसे भेजा था वहाँ कुछ हुआ क्या? उन्होंने तो उसकी अच्छी खासी नौकरी लगवाई थी, लेकिन वहाँ किससे दुश्मनी मोल ले बैठी? लेकिन पुलिस को तो बताना पड़ेगा ना कि अपनी गीता भी आभा जी के कहने पर कहीं नौकरी करने गई हुई है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आभा जी के बारे में पुलिस को बताओगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा, नौकरी से निकलवा देंगी तो। क्या हुआ इसे, क्या किया तुमने इसके साथ? अरे जो करता है ना वो तो ऊपर वाला करता है, हम क्या करेंगे? अब देख लो, इलाज उलाज कर दो इसका, ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, वरना पता है ना पाप तुम्हारे सिर पर फूटेगा। डॉक्टर जो ठहरी, अब देखो इसे। लेकिन हुआ क्या इसे? दीदी ये गिर गई थी। क्या गिर गई थी? क्या हुआ था? माँ बनने वाली है और बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। तुझे पता है अगर तू इस तरह उछल कूद करेगी ना तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। बच्चे का कुछ हो गया तो बच्चा मर जाएगा, और उसके बाद बच्चा मर गया ना तो पेट में जहर फैल जाएगा और तू भी मर जाएगी तड़प तड़प कर, समझी? देखो प्लीज, वो माँ बनने वाली है, उसके साथ ऐसा मत करो। हा? मुझे देखने दो। आराम से, आराम से। INDIA, इंडिया। इंडिया मतलब भारत। जी आप लोग? हमें अनामिका के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। सर हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हमने उमा जी से भी यही बात कही थी। लेकिन अनामिका की नौकरी तो आप ही ने लगवाई थी ना? जी अनामिका को नौकरी हमने ही दिलाई थी लखनऊ में, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वहाँ से नौकरी छोड़कर चली गई। फिर बाद में अनामिका की माँ ने बताया कि वो मुंबई में नौकरी कर रही है। अब आप ही बताइए इसमें हमारी जिम्मेदारी कहाँ से आती है? हम लोग यहाँ पर एनजीओ चला रहे हैं ताकि यहाँ की औरतों का, लड़कियों का कुछ भला कर सके। लखनऊ में अनामिका की कहाँ नौकरी लगवाई थी आपने? अलीगंज में सुधीर सिंह के घर। अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। आजा आजा किरण। ये देखिए मैडम। आओ देखना है, फोटो देखना है, आ जाओ देखो। हाँ कितनी अच्छी आई ना फोटो, देखो गीता कितनी अच्छी फोटो आई है। बच्चा ना एकदम ऐसी होगा तेरी तरह, माँ का फर्ज अदा करना है ना।
अपना ध्यान रख। मैडम आपको चोट नहीं लगी? अरे मुझे छोड़ो, उसको पकड़। ताला लगा हुआ। ये सुधीर सिंह यहीं रहते हैं? सुधीर? पता नहीं साहब, अभी तो खाली पड़ा मकान। भाभी क्या हुआ साहब? ये सुधीर सिंह इसी मकान में रहते हैं? हाँ, एक डेढ़ साल पहले वो और उनकी बीबी यहीं रहते थे। उनके साथ कोई मेड भी रहती थी? हाँ थी शायद। ये थी क्या? हाँ साहब यही थी। अब कहाँ हैं ये लोग? साहब ये तो नहीं पता, एक डेढ़ साल हो गया है। इस घर का मकान मालिक कौन है? साहब रहता तो यहीं कहीं है, पर मकान नहीं पता उनका। इस घर के मकान मालिक के बारे में पता करो, कहाँ रहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ आओ, धीरे धीरे रोज चलो, लेकिन चलो। सुधीर के मकान मालिक से बात हुई, उसने बिना कोई डॉक्यूमेंट्स लिए सुधीर को घर किराए पे दे दिया। सुधीर ने घर 11 महीने के लिए लिया, लेकिन एक महीने बाद उसका डेली ट्रांसफर हो गया और वो चला गया। कुछ पता चला अब कहाँ है वो? नहीं सर। मगर सरकार कानून बना बना के थक गई, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता। लोग जानते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट्स के बिना घर किराए पे नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी देते हैं। सर सर कहिए। सर सर इस लड़की को हम जानते हैं। कैसे? सर इसी ने हमारे लिए सरोगेसी की थी। माय नेम इज अनामिका, आई लिव्स इन पिपरी विलेज, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। सर ये देखिए, ये फोटो उन लोग ने हमें भेजे थे। इसका बच्चा कहाँ पर है? सर वो घर पर है, एक महीने का ही है। हमें इस बच्चे का डीएनए अनामिका के साथ मैच करना होगा। लेकिन सर वो बच्चा तो हमारा है, इससे हमारा डीएनए मिलता है। अनामिका ने तो केवल जन्म दिया है। फिर भी कई बार बच्चे में सरोगेट मदर के थोड़े बहुत ट्रेसेस मिलते हैं। किस क्लिनिक में मुलाकात हुई थी आपकी? सर इसे हम अमीनाबाद के क्लिनिक में मिले थे, डॉक्टर योगिदा के पास। उसका एड्रेस होगा? हाँ साहब, वो मेरी ही जगह है। डॉक्टर योगिता ने लीज पर लिया हुआ है क्लिनिक चलाने के लिए। क्लिनिक बंद करके वो गई कहाँ है? उनके घर में कुछ हुआ है, कह रही थी कि सब कुछ निपटा कर ही आएंगी। डॉक्टर योगिता की कोई फोटो है आपके पास? हाँ सर है मेरे पास, मैं भी लेके आता हूँ। सर ये लीज पेपर पर उनकी फोटो है। सर कोमल के बच्चे का डीएनए अनामिका से मैच करता है। मैच करता है मतलब कितने परसेंट? सर 50%। और बच्चे में 50% उस आदमी से मैच करता है जिसने अनामिका का रेप किया। हमने अनामिका के बॉडी पे मिले सीमेंट ड्रेस से बच्चे का डीएनए मैच करके देखा। यानी कि वो बच्चा अनामिका और उस रेपिस्ट का था? जी सर। तो फिर कोमल और अमर ने ये क्यों कहा कि ये बच्चा उनका है? सर आप लोगों से कोई चूक हुई है। हमसे कोई चूक नहीं हुई है, ये बच्चा अनामिका और उस दूसरे आदमी का है जिसने अनामिका का रेप किया था। और आप लोगों ने जिस क्लिनिक का एड्रेस हमें दिया था वो फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। क्या ये सच है कि आप लोगों ने सरोगेसी करवाई है? कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों ने बच्चा गोद लिया हो या फिर खरीदा हो? सर हम यहाँ खुद चलकर आए हैं, क्या आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? और वैसे भी सर उस बच्चे को हमने उस क्लिनिक में रेडी ही नहीं करवाया था। कहना क्या चाहते हैं आप? सर हमने IVF क्लिनिक में अपना स्पर्म और कोमल के एग्स देकर बच्चे का फर्टिलाइज करवाया था। भ्रूण को हमने डॉक्टर योगिता के क्लिनिक में दे दिया था। किस क्लिनिक की बात कर रहे हैं आप? सर डॉक्टर मनोज के IVF सेंटर की। वो
जी हाँ, ये दोनों आए थे क्लिनिक पर आईवीएफ के लिए। हमारे यहाँ से सैरोगेसी कराना चाहते थे, लेकिन बच्चा फर्टिलाइज होने के बाद ये उसका एम्ब्रियो यहाँ से ले गए। मैंने उनको बहुत रोका भी, समझाया भी, लेकिन वो नहीं माने। तो अगर ऐसे कोई एम्ब्रियो मांगता है तो आप लोग दे देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सर, जब माँ बाप ही जिद पर अड़ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सर, उस दिन हम डॉक्टर मनोज के क्लिनिक से बाहर निकले तब एक आदमी मिला था। एक्सक्यूज मी, हमने भी आप दोनों को यहाँ से निकलते हुए देखा। आप लोग को बच्चा चाहिए? आपसे मतलब? अरे सर, हम अपने मतलब के लिए नहीं, आपके मतलब की बात कर रहे हैं। जो डॉक्टर है ना, इनके यहाँ पे जो सरोगेसी है बहुत महंगी पड़ती है। हम आपको दूसरा पता देते हैं, वहाँ सस्ते में काम हो जाएगा आपका। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भी एक औरत हूँ, समझ सकती हूँ। जब एक औरत माँ नहीं बन पाती है तो उसे कितना अधूरा सा लगता है। लेकिन आप लोग यकीन मानिए, मैं 100% कह रही हूँ आप लोगों को, आपका बच्चा ज़रूर होगा। सर, पिछले 8 साल से मैं बच्चे के लिए तरस रही थी, कितनी बार IVF करवाया पर कुछ नहीं हुआ, और यहाँ डॉक्टर योगिता 100% श्योर बोल रही थी। सर, हमने अनामिका को क्लिनिक में पसंद किया था। माई नेम इज अनामिका। वो अच्छी संस्कारी लगी तो हमें लगा कि ये हमारे बच्चे के लिए सही करियर रहेगी। सर, आई, ये लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं। हेलो सर। बैठिए, कहिए क्या कहना चाहते हैं। सर, हमने सरोगेसी से बच्चा करवाया था, लेकिन उस बच्चे का DNA हमसे नहीं मिल रहा है सर। कहाँ से कराई थी आपने सरोगेसी? सर, डॉक्टर योगिता के क्लिनिक से। आपके बच्चे का भ्रूण डॉक्टर योगिता के क्लिनिक में ही तैयार हुआ था या फिर कहीं और? सर, डॉक्टर मनोज के क्लिनिक से। डॉक्टर मनोज के क्लिनिक के बाहर क्या आपको कोई आदमी भी मिला था? हाँ सर। पंकज, एक काम करो, ये योगिता और डॉक्टर मनोज के क्लिनिक के अंदर बाहर जितने भी CCTV हैं सबकी फुटेज चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। और हाँ, इनके बच्चे का DNA अनामिका के बच्चे के DNA से मैच करवाओ। सर, आखिर ये डॉक्टर फरार कहाँ है? हेलो दी, वो पैसों की डिमांड आई है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कब तक ये सब करना पड़ेगा। आपको बच्चा ज़रूर होगा, ये मेरी गारंटी है, भले को किसी और की क्यों ना, लेकिन बच्चा आपका ही होगा। ये सिर्फ एक जाल नहीं बल्कि एक चक्रव्यूह था, जिसका एक अलग ही खूबसूरत सा चेहरा दुनिया के सामने था। बिना संतान के जोड़ों को यही लग रहा था कि इस तरह से सरोगेसी करवा कर कम पैसों में संतान पाने का उनका सपना पूरा होगा, वो संतान जो पूरी तरह से उनका अपना अंश होगी। और ऐसा करते हुए उन्हें कोई ग्लानि भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये औरतें सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हैं, खुशी खुशी दूसरों के बच्चों को अपनी कोख में पालती हैं, उन्हें जन्म देती हैं ताकि थोड़ा पैसों का मुनाफा उन्हें भी हो जाए। कोई ये समझ ही नहीं पाया कि उम्मीदों और सपनों से भरी इस दुनिया की सच्चाई इतनी भयानक होगी। आपका यहाँ से भागने का मन नहीं करता क्या? जानी ना, कभी यहाँ से बाहर निकल पाएगा कि नहीं। अपने बेटे के पास जाना चाहता है, पता नहीं जा पाएगा कि नहीं। बेटा? हम 4 बच्चा जान चुका है, और हमारा एक ही बेटा सूरज, इतना साल हो गया फिर भी उसे मिलने का आज छोड़ा नहीं है। आप यहाँ पे कैसे आई? हमारा हस्बैंड का एक फ्रेंड हमको बोला, यहाँ आके बहुत पैसा कमाएगा। दीदी, हम कह रहे हैं ना, हम यहाँ से भाग जाते हैं। जानती नहीं है, बहुत खतरनाक लोग हैं, ऐसा मत करना, मर जाएगी। अरे मरते तो मर जाए, आप ऐसे भी कौन सा जिंदा है हम ना। हेलो सर, आपका शक सही था। सुधा और कार्तिक के बच्चे का 50% DNA कोमल और अमर के बच्चे के साथ मैच करता है, पर ये 50% बच्चों के बाप का है। यानी कि दोनों बच्चों की माएं अलग अलग हैं और बाप एक ही है। जी सर। CCTV फुटेज आ गई क्या?
तो डॉक्टर मनोज के क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज आ गई। ये देखिए, ये डॉक्टर मनोज के क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज है, ध्यान से देखिए। क्या इनमें से किसी को पहचानते हैं आप लोग? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर उस आदमी से हम 11 महीने पहले मिले थे। हाँ सर, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। सर योगिता के क्लिनिक के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला है। सर पास के पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वहाँ उन्हें एक औरत की लाश मिली है जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। सर इसकी मौत डिलीवरी के टाइम हुई थी, लेकिन कोई ऐसे बॉडी क्यों फेंकेगा? जहाँ इसकी डेड बॉडी मिली वहाँ आसपास कोई सीसीटीवी मिला आपको? हम चेक करें सर। सर जहाँ उस दूसरी औरत की बॉडी फेंकी गई थी वहाँ के पास के सीसीटीवी कैमरा में ये एम्बुलेंस दिखी है। मैंने पता किया, ये एम्बुलेंस डॉक्टर मनोज के क्लिनिक की। डॉक्टर मनोज? पंकज मुझे पहले से ही शक था, इस पूरे कांड में ये डॉक्टर मनोज का कोई ना कोई हाथ जरूर है। एक काम करो, वो दूसरे पुलिस स्टेशन में रिक्वेस्ट भेजो, उनसे कहो इस केस को हमारे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दें। जी सर। ये लो दवाई खा लेना, दे देना इसे दवाई। सर मुझे कुछ नहीं पता है। आपको सब पता है, आपके पास कपल आईवीएफ के लिए आते हैं और जब आईवीएफ काम नहीं करता तो अपने किसी आदमी को उनके पीछे लगा देते हैं और अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर सरोगेसी का नाटक करते हैं, और जब कोई लड़की सरोगेसी के लिए मना कर देते हैं तो मार डालते हैं। सर किस तरह की बात कर रहे हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ, कातिल नहीं। तो फिर जहाँ से हमें बॉडी मिली आपके क्लिनिक की एम्बुलेंस वहाँ क्या कर रही थी? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो एम्बुलेंस का ड्राइवर बताएगा। सर पंकज जरा डॉक्टर साहब का डीएनए टेस्ट करवाओ, पता तो चले जिन बच्चों को ये बेच रहे हैं कहीं उनके बाप ये खुद ही तो नहीं है। और इनके ड्राइवर को भी बुलाओ। सर साहब हमें कुछ नहीं पता साहब, हमने ये एम्बुलेंस उस दिन गोपाल को दिया था। गोपाल कौन? वो डॉक्टर मनोज का प्यून। पंकज अब कुछ नहीं किया साहब। नहीं जानता तो एम्बुलेंस लेके कर क्या रहा था वहां पर तू? साहब वो तो हमें सिर्फ लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहा गया था साहब। किसने कहा था? डॉक्टर मनोज ने? नहीं साहब, योगिता ने। डॉक्टर योगिता? साहब वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं साहब, वो तो हमारे गांव की है साहब। ये डॉक्टर मनोज भी इन्वॉल्व है इसमें? वो सब तो हमको मालूम नहीं साहब। ये सरोगेसी का क्या चक्कर है फिर? साहब हमको योगिता ने बोला था कि डॉक्टर मनोज के क्लिनिक के बाहर जो भी लोग आते हैं उनको बहला फुसला के उनके पास ले जाएं। सब लोग गांव से लड़कियां लेकर के आते हैं साहब, उनसे सरोगेसी करवाते हैं साहब। पंकज इसे योगिता का एड्रेस और बाकी इन्फॉर्मेशन निकलवा लो। पूरा घर अच्छी तरह से छान मारो। पंकज तुम ऊपर जाओ। सर। मिश्रा इस कमरे में, आप लोग इधर। सर पीठ पे स्टेप किया गया, लगता सभी लड़कियों को यहाँ चेन से बांध के रखा गया था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और घर का चप्पा चप्पा छान मारो। सर ये लोग तो देश भर से लड़कियों को यहाँ लेके आ रहे हैं, कोई यूपी कोई बिहार कोई उड़ीसा कोई राजस्थान। पंकज या तो इन लड़कियों को यहाँ जबरदस्ती लाया गया या फिर बहला फुसला के,
लेकिन ये जितनी भी लड़कियां यहाँ लाई गई हैं, इनका मिलना हमारे लिए बेहद जरूरी है। लेकिन सर, योगिता को किसने मारा होगा? यही तो पता करना है। जो एड्रेस तूने हमें दिया था, वहां में योगिता की लाश मिली है। मार के भागा था ना, झगड़ा हुआ था ना उससे? साहब हम सच कह रहे हैं साहब, हम तो अपने घर में सो रहे थे साहब। झूठ बोलता है, योगिता के साथ वो किरण और गीता थी साहब, सब हो सकता उन लोग ने मारा हो साहब। इनमें से कौन है? साहब ये गीता है साहब, और साहब ये किरण है सर। पंकज, ये दोनों फोटोग्राफ्स हर नाके पे सर्कुलेट करवा दो, ये शहर छोड़कर जाने नहीं चाहिए कहीं भी। सर, ओ मैडम, कहाँ जा रहा, पैसे तो दे दो। योगिता को किसने मारा है? हमने साहब, ये मारे या हम मारे, बात तो एक ही है ना, वो सब राक्षस है, उन सबको चुन चुन के मार डालना चाहिए। अनामिका को किसने मारा? वो भी तो तुम लोगों के साथ थी ना। अनामिका का खून साहब हमको नहीं पता, लेकिन अगर उसकी हालत हमारी तरह थी ना, तो अच्छा हो गया कि वो मर गई। नरक में रखा था हमें साहब, बार बार हमारे साथ बलात्कार करते थे, तब तक जब तक हमारे पेट में उनका बच्चा नहीं आता। और फिर 9 महीना तक हम उनका बच्चा अपने गर्भ में रखते थे, और जब बच्चा जन्म ले लेता तो जाके बिक्री कर देते थे साहब, और दोबारा हमारे साथ वही सब करते थे, वही बलात्कार सब। कौन कौन लोग शामिल थे इसमें? गोपाल था, और वो आदमी जो चेहरा ढककर हमारे साथ बलात्कार करता था। कौन वो आदमी? चेहरा देखा नहीं कभी साहब। और कौन कौन शामिल था इसमें? एक डॉक्टर थी साहब, जो हमारा इलाज करती थी, भली औरत थी साहब, उसके बच्चे को अगवा कर दिया और उस पर दबाव डाल दिया ताकि वो उनकी मदद करे। उस डॉक्टर को देखोगे तो पहचान जाओगे? हाँ साहब जी। पंकज, इस शहर में जितने भी लेडी डॉक्टर्स हैं उन सबके फोटोग्राफ्स मंगवाओ। जी सर। यही है वो वाली डॉक्टर। सर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। हमें गीता और किरण ने बताया है, उन लोगों ने आपके बेटे को अगवा किया है, पर आपसे ये सब कुछ जबरदस्ती करवा रहे हैं। देखिए सर, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है, वो मेरे साथ ही है। आप किसी डॉक्टर मनोज को जानती हैं? जी नहीं। हाँ सर, डॉक्टर शीतल का कहना है कि वो इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती। हो सकता है वो डरी हुई हो। लेकिन सर, मुझे बात कुछ और लगती है। डॉक्टर शीतल के टेबल पर डॉक्टर मनोज के बेटे का फोटो था, लेकिन शीतल कहती है कि मनोज को जानती नहीं। नहीं सर, मेरे बेटे की कोई किडनैपिंग नहीं हुई है, और डॉक्टर शीतल तो मेरी एक्स वाइफ है। तो फिर ये फेक सरोगेसी का धंधा? सर, ये जरूर शीतल और उसका भाई सुभाष मिलकर कर रहे होंगे। कहां मिलेगा ये शीतल का भाई सुभाष हमें? शीतल जी ने बहुत बड़ा कर्ज लिया था सर, अपना क्लिनिक ओपन करने के लिए, बस इसी चक्कर में ये सब कुछ करना पड़ा सर। फिर धीरे धीरे पैसे आने लगे तो लगा कि इस काम से बिना कुछ के ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जरा से पैसे कमाने की लालच में इतना औरतों को रेप किया। गलती हो गई सर। गलती हो गई? अगर पैसों के लालच में ये काम करता था तो फिर अनामिका को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने अनामिका को नहीं मारा सर। नहीं सर, मैंने अनामिका को नहीं मारा सर। अगर पैसों के लालच में ये काम करता था तो फिर अनामिका को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने अनामिका को नहीं मारा सर। उसकी डिलीवरी के 1 महीने बाद मैं उसके पास गया था सर।
लेकिन सर वो मेरे सर पर मारकर भाग गई थी वहां से, उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला सर। इसके धंधे में जितने भी लोग शामिल हैं सबके बारे में इसके मुंह से निकलवाओ। तो डॉक्टर शीतल, पता चली गया कि तुम्हारे भाई को हमने गिरफ्तार कर लिया है, इसीलिए भागने की तैयारी हो रही। सर एक नंबर मिला है जो उस रात उन्नाव से लखनऊ तक ट्रैवल हुआ था और फिर उस स्पॉट तक गया जहां हमें अनामिका की बॉडी मिली थी। और सर इसी नंबर से 16 जून की रात 12 बजे पियून गोपाल को भी फोन किया गया। तो तुमने मारा अनामिका को? हाँ, वो लखनऊ से भागकर गांव आई थी। अरे अनामिका तुम, अरे अनामिका तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या हालत बना रखी तुमने? हम यहाँ क्या कर रहे हैं ये आपको अभी पता चल जाएगा जब हम पूरे गांव को बताएंगे। अब हमें वहाँ छोड़कर आ गए, उसके बाद उन लोगों ने हमारे साथ बार बार बलात्कार किया, बच्चे पैदा करवा कर उसे बेच दिया और फिर मेरा रेप किया। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी आपकी, छोड़ूंगी नहीं आपको मैं। अगर गांव वालों को पता चल जाता कि हम गांव की लड़कियों को बहला फुसला कर बाहर बेचते हैं तो गांव वाले तो हमें जान से ही मार देते। तुम खुद एक औरत हो, एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ इतना घटिया काम किया, शर्म आनी चाहिए। आभा, शीतल, सुभाष और गोपाल, इन सब ने मानवता और उन औरतों के प्रति जो अपराध किए, इन सबको उनके किए की सजा मिली। योगिता को तो पहले ही अपने किए की सजा मिल चुकी थी। किरण पर योगिता को मारने का मुकदमा तो चला पर आखिर में उसे सेल्फ डिफेंस मानकर किरण को बरी कर दिया गया। बच्चे की पैदाइश तब तक एक गुड न्यूज है जब वो बच्चा अपनी माँ की मर्जी से इस दुनिया में आया, ना कि जबरदस्ती, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के बाद। अगर कभी भी कहीं भी आपको इस बात का एहसास हो कि किसी औरत पर सरोगेसी के नाम पर दबाव डाला जा रहा है तो तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचित करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।